नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में बुधवार को फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। दोनों छात्र संगठनों एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज कैंपस के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माहौल को शांत करने के लिए कॉलेज प्रशासन और पुलिस को बीच में आना पड़ा। करीब आधा घंटा दोनों संगठनों के छात्रों में बहसबाजी और नारेबाजी चली। दोनों संगठनों के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने उग्र होकर नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच कोई झड़प नहीं हुई। लगातार दो दिन से छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं की आपसी झड़प के कारण माहौल तनावपूर्ण रहा। कॉलेज के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे, तभी एसएफआई के कार्यकर्ता ने भी कॉलेज कैंपस के अंदर ही नारेबाजी करना शुरू कर दी। एसएफआई को कॉलेज कैंपस के अंदर नारेबाजी करता देख एबीवीपी कार्यकर्ता भी कैंपस के अंदर चले गए और नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों छात्र संगठनों ने जमकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को कॉलेज में बुलाना पड़ा। कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने मिलकर मामले को शांत करवाया। प्रधानाचार्य सहित अध्यापक किस मौके पर मौजूद रहे। प्रधानाचार्य डॉक्टर हरदीप सिंह चंबाल ने कॉलेज के अंदर हुई नारेबाजी को लेकर पीटीए कार्यकारिणी को कॉलेज बुलाया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि कॉलेज कैंपस के अंदर छात्र संगठन नारेबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज के अंदर तनावपूर्ण माहौल सहन नहीं किया जाएगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये गैर कानूनी है, ये किसी भी तरह के नारेबाजी या इस तरह के माहौल या हुड़दंग नहीं मचा सकते। तो आज इनको वार्निंग भी दी है और मैं तो इनको आज जो लिंग दो कमेटी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी मैं इनकी कॉपी दूंगा, वो पढ़ें और उसी के अनुसार अपना आचरण करें रखें कॉलेज में। ये बिल्कुल गैर कानूनी है और असहनीय है। अगर आइंदा ऐसा होता है तो अनुशासन की जाएगी और इनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और तब तक पेरेंट्स नहीं आते तब तक इनको सस्पेंड। एबीवीपी इकाई हमीरपुर ने कहा कि वह गेट के बाहर कॉलेज में पैदा हुए गुंडागर्दी के माहौल के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे कि कॉलेज कैंपस के अंदर ही एसएफआई ने नारेबाजी करना शुरू कर दी। इकाई अध्यक्ष अनुराग पटियाल ने कहा कि कॉलेज कैंपस के अंदर नारेबाजी करता देख उन्होंने भी कॉलेज के अंदर नारेबाजी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने उन्हें उकसाया। एसएफआई कॉलेज के माहौल को खराब करने का कार्य कर रही है। इस मौके पर इकाई सचिव पुष्पदीप सौरभ, जिला संयोजक सचिन लखपाल आदि मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन करने की ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, कुछ भी धरना प्रदर्शन करना है, पर जो एबीवीपी वाले हैं उन्होंने पहले भी परसों लड़ाई की हुई थी। उस लड़ाई झगड़े में उन्होंने ये बात मानी थी कि हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ाई की है और आज उन्होंने कॉलेज का माहौल खराब करने की सोची। जैसे कॉलेज में प्रदर्शन करने की ऐसी कोई मीटिंग या कुछ निर्णय लिए गए कि धरना करना है, अचानक करना पड़ा। जैसे एबीवीपी वालों ने परसों भी लड़ाई की थी कॉलेज में, ऐसे भाई के कार्यकर्ताओं को पीटा था जो नए नए आए थे, जबरदस्ती बैच लगवाने की कोशिश कर रहे थे और वो जब वो लड़ाई हुई सॉर्ट आउट करवा रहे थे तब कुछ एबीवीपी के लड़के थे, उन्होंने फिर अटैक किया एसएफआई वालों के बाहर। फिर आज वही लड़के एसएफआई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे एबीवीपी वाले। अब उसका जवाब देने के लिए धरना प्रदर्शन हमें अचानक करना पड़ा सामने डिफेंस के लिए। भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो धरना हुआ वो एसएफआई के द्वारा जो गुंडागर्दी कैंपस के अंदर चलाई जा रही है उसके विरोध में था और लगातार बच्चों के पेपर हो रहे हैं, लेकिन एसएफआई के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रतिदिन हर रोज गुंडागर्दी कैंपस के अंदर करते हैं और बच्चों को परेशानी हो रही है, जिस कारण पेपरों में भी बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। यह धरना एसएफआई की जो गुंडा तत्व विधियाँ हैं उनके खिलाफ किया गया विद्यार्थी परिषद का, और पहले भी इस प्रकार की लड़ाई पहले भी कुछ महीने पहले भी कैंपस के अंदर की गई थी, जिसके खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन ये बार बार बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी गुंडा तत्व विधियों के द्वारा कॉलेज कैंपस का माहौल खराब करने में प्रतिदिन तुले हुए हैं और इनके कार्यकर्ता हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं और उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं। इनके हथियार भी पकड़े गए हैं, पिछली बार जो इनकी लड़ाई हुई थी जिसमें इनके हथियार भी पकड़े गए तथा इनके जो कार्यकर्ता हैं उनको रेस्टिकेट भी किया गया था, लेकिन ये अभी भी कैंपस के अंदर माहौल खराब करने की स्थिति में और माहौल खराब कर रहे हैं। पिछले तीन दिनों से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, उनकी पिटाई कर रहे हैं, इनके पास ग्रिप हथियार अनेक हथियारों से हमला करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तथा कॉलेज कैंपस का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज नारेबाजी की और धरना भी किया। जी, एसएफआई जो गुंडागर्दी कर रही है उसके खिलाफ हमने नारेबाजी करी थी कि हाँ कि कॉलेज प्रशासन में जो बच्चों के एग्जाम चले हुए हैं उसमें लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, ये गुंडागर्दी एसएफआई जो बंद करे, लड़ाइयाँ नहीं करे, उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे।
एसएफआई के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लग पड़े, माहौल खराब कर दिया उन्होंने और हमें भी अंदर आके हम अंदर आने के। जैसे कि आप सभी को बताए कि पिछले कुछ दिनों से कॉलेज कैंपस में एबीपी और एसएफआई के बीच में लड़ाई चल रही है। उसी बीच में पिछले कल एसएफआई वालों ने हमारे खिलाफ धरना दिया और उसमें बहुत हमारे पार्टी के ऊपर कीचड़ उछाला है। उसी के खिलाफ आज हमने धरना प्रदर्शन गेट के बाहर किया और उसी के चलते साथ साथ में उन्होंने कॉलेज कैंपस के अंदर धरना और नारेबाजी स्टार्ट कर दी, जो कि कॉलेज के कैंपस के अंदर मान्य नहीं है। और इस